Assalamu alaikum students. आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है रिस्क एंड रिटर्न. हम ये देखेंगे कि बेसिकली रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है. लेकिन उससे पहले आप सब जो है वो, चूंकि ये चैनल हमने डिस्टेंस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया है, तो आप सब जो है वो इन वीडियोस को लाइक भी करें, उसके साथ साथ जो है वो आप इसको जो है वो सब्सक्राइब भी करें ताकि आप जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप दे सकें. कि बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, इट्स रिलेटेड टू रिस्क एंड रिटर्न. तो बीइंग फाइनेंस स्टूडेंट्स, हम इस चीज को देखेंगे कि जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. इसी तरह से जो रिटर्न है इसका क्या मतलब है, इसकी हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, और रिस्क एंड रिटर्न का जो है वो रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम रिस्क एंड रिटर्न को डिफाइन करेंगे कि रिस्क एंड रिटर्न का मतलब क्या है. देन हम इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे कि आप यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस टू मेजर रिस्क, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क. ये हमारे पास तीन डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले रिस्क एंड रिटर्न को डिफाइन किया जाएगा, देन इनकी कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी, रिस्क एंड रिटर्न की कैलकुलेशंस कैसे की जा सकती है, और आपके रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एटीट्यूड जो है वो क्या होते हैं. सबसे पहले रिटर्न, इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस, यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट ऑफ द बिगनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो अगर सबसे पहले हम रिटर्न की बात करें, तो इससे पहले कि हम फार्मूले की बात करें, रिटर्न के अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास दो चीजें आती हैं. पहली चीज कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो है वो आपको कितनी इनकम रिसीव हुई है. तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अंदर जो हमें इनकम रिसीव हुई है वो ये पार्ट है हमारा DT. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट. तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर जो भी हमने इनकम रिसीव की वो हमारा फर्स्ट पार्ट है रिटर्न का. अब चूंकि हमने जब बात की थी कि हमारे पास दो तरह की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, जब दो तरह की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने डेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है डेट सिक्योरिटीज में, या आपने इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है. अगर आपने डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको हम इंटरेस्ट इनकम कहेंगे, वो DT में आ जाएगी. और अगर आपने इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर जो है वो आपको डिविडेंड मिलेगा और वो आपकी इनकम बन जाएगी और उसको हम DT में डाल देंगे. इसका मतलब ये है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो आपने डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की है या इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर आपको या जो भी इनकम मिलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ या तो इंटरेस्ट मिलेगी या डिविडेंड मिलेगी. तो वो आपका ये फर्स्ट पार्ट होगा इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसको हम इस DT के अंदर जो है वो मेंशन करेंगे, प्लस एनी चेंज इन मार्केट वैल्यू. तो आपकी जो भी मार्केट वैल्यू में जो चेंज आया है वो आपका रिटर्न का सेकंड पार्ट है. अब मार्केट वैल्यू में चेंज को हम कैसे मेजर करेंगे, आप सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे, सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस. तो हम मार्केट प्राइस का चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने जितनी प्राइस पे परचेज किया था और जितनी प्राइस पे आपने सेल किया, तो आप सेल प्राइस में से अगर परचेज प्राइस को माइनस कर दें तो ये आपके पास चेंज इन मार्केट प्राइस आ जाएगा. तो ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास, जो विद इन ब्रैकेट हमने मेंशन की है PT - PT - 1, अब ये जो PT है हमारे पास ये सेल्स प्राइस है, प्राइस एट टाइम करंट टाइम पीरियड PT, ये हमारे पास सेल्स प्राइस है, माइनस PT - 1 परचेज प्राइस.
प्राइस एट प्रीवियस टाइम पीरियड. तो चूंकि ये टी है तो टी का मतलब है करंट टाइम पीरियड, तो ये करंट प्राइस कौन सी हो सकती है, जो सेल्स प्राइस होती है. और ये जो टाइम पीरियड है टी माइनस वन, ये हमारा प्रीवियस टाइम पीरियड है. तो प्रीवियस टाइम पीरियड में कौन सी प्राइस होती है, जो आपकी परचेज प्राइस होती है. तो आप सेल्स प्राइस पी टी माइनस वन परचेज प्राइस ले लेंगे. तो ये दोनों एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, डी टी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और ये वाली जो पी टी माइनस वन, ये है चेंज इन मार्केट प्राइस. तो ये दोनों एलिमेंट्स आ गए. और इसको आपने जो एक्सप्रेस करना है, इसको आप एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो आप इसको ये इसको जो आपकी परचेज प्राइस है उसके ऊपर जो है वो आप इसको डिवाइड कर देंगे पी टी माइनस वन पे जो है. तो ये जो पी टी माइनस वन है, ये हमारे पास जब हम इसको इस तरह से कैलकुलेशंस कर लेंगे तो ये हमारे पास रिटर्न की फॉर्म आ जाएगी. अब अगर हम इसको फर्दर एग्जाम्पल से जो है वो इसको फर्दर इस फार्मूला को क्लैरिफाई करना चाहें, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है. जस्ट आप इसकी ये फिगर्स अपने पास लिख लीजिएगा, देन हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे कैसे कैलकुलेशंस की है. द स्टॉक प्राइस फॉर स्टॉक ए वाज $10 पर शेयर वन ईयर अगो. दिस स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट $9.50 पर शेयर and shareholders just received $1 dividend. What return was earned over the past year? So इसमें जो हमारे पास information है वो ये है कि एक stock है हमारे पास stock A, जिसकी price 1 year पहले जो है, एक साल पहले $10 थी, और अभी जो है वो stock currently जो है वो $9.5 पे जो है वो trade हो रहा है. इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो $10 है, ये चूंकि एक साल पहले की प्राइस है, तो ये टी माइनस वन हो गई, पी टी माइनस वन परचेज प्राइस. और ये जो प्राइस है करंट प्राइस, ये $9.50 है, तो ये पी टी होगी सेल्स प्राइस. और शेयर होल्डर्स ने जो डिविडेंड रिसीव किया है वो $1 है, तो ये आपके पास जो है वो डी टी आ गया. तो जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू, सबसे पहले डी टी लेना है हमने, डी टी $1 है डिविडेंड, ये $1 आ गया हमारे पास, प्लस सेल्स प्राइस जो पीटी करंट प्राइस है वो $9.50 है, वो हमने $9.50 लिख लिया, माइनस परचेज प्राइस, परचेज प्राइस जो है हमारे पास $10 है, वो हमने यहाँ पे $10 दे दी, डिवाइडेड बाय अगेन परचेज प्राइस पीटी माइनस वन, वो $10 दे दी. तो हमारे पास इसका जो नटशेल आता है वो 5% आता है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस स्टॉक पे, जिस पे आपकी जो परचेज प्राइस थी वो 10 थी, और जो सेल्स प्राइस है वो 9.50 है, और जिसके ऊपर आपने $1 जो है वो डिविडेंड रिसीव किया है, तो अगर हम ये देखना चाहें कि इन्वेस्टर्स ने इस सिक्योरिटी के ऊपर कितना रिटर्न अर्न किया है, तो हमने इसके ऊपर 5% रिटर्न जो है वो अर्न किया है. अनसर्टेनिटी एंड इट इज द रिस्क. इसी तरह से अगर हम बाहर निकलते हैं, हमें ये नहीं पता कि बाहर किस बंदा कौन से लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, और हम जिससे मिल रहे हैं, जहां पे हम जा रहे हैं, कहीं वहां से हमें कोई इशू तो नहीं हो सकता, खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि कोई इन्फेक्शन जो है वो हमें. तो ये अगेन एक थ्रेट है, एक अनसर्टेनिटी है, तो इसको जो है वो हम रिस्क कहते हैं. तो जहां पे भी आपके पास अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आता है, वो हमारे पास रिस्क एलिमेंट होता है. तो अगर हम इसको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या हमें ये 100% श्योर होता है कि इसमें जो है वो हमें हमेशा बेनिफिट ही होगा और इसमें हमें जो है वो लॉस नहीं हो सकता? नो सर, उसमें हमेशा जो है वो आपके पास एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है कि आपको शायद प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको जो है वो लॉस भी हो सकता है. तो ये जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है हमारे पास, ये रिस्क को जो है वो इंडिकेट करता है. तो अब एक साइड पे तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं रिटर्न अर्न करने के लिए, और सेकेंड साइड पे जो है वो आपको इस चीज की अनसर्टेनिटी होती है
आपको जो है वो उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ये जो रिटर्न को कैलकुलेट किया है 5% या 15%, आप हमने दो एग्जाम्पल्स ली, तो सपोज अगर पहली की बात करें 5%, सपोज ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, हमने अभी आज एक इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके लिए जो है वो हम एनालिसिस कर रहे हैं और हमने अज्यूम किया है कि जी अभी जो परचेज प्राइस है वो ये है, इसके ऊपर 1 साल के दौरान में हमें इतने हैं। फॉर एग्जाम्पल सीआर जीआर एनीवन, जी बेटा आपको आवाज आ रही है? कासिम, शाहताज,